एया मूर बाबे राजनैतिक संघर्ष नहय, एया मूर तेज और डिएनएर संग्राम। मूर ऊपर बीजेपीए 25टा केस जीत होइसे। बीजेपीए जाने राहुल गांधी आपोस नकरे, हे जोते पारे तातेई दिसे गुसर। मूर घर काढ़ी लले, मूर सदस्य पद काढ़ी लले। केसीआर विरुद्धे बीजेपीए एटाओ गुसर दिया नाइ कियो। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कोनो पिছত परा नाइ केसीआर। केसीआरे बीजेपीक सहाय करे, एया तारेई पुरस्कार। कांग्रेसर तेलेंगानात पूर्णोद्यमे चलिसे निर्वाचनी प्रचार। 2023 बर्षत अनुष्ठित हबलगिया तेलेंगाना विधानसभा निर्वाचन 3 नवेम्बरत आरम्भ हई 5 डिसेम्बरत भोटग्रहण समाप्ति हब। 119 जनीया सदस्यरे तेलेंगाना विधानसभात बर्तमान दक्षिणर एटा आंचलिक दल बीआरएसर शासनभार चलि आछे। उल्लेखयोग्य जे बीआरएसे 104খন আসনেৰে শাসনভাৰত আছে। আসাদুদ্দিন ওৱেছিৰ এআইএমআইএমৰ 7খন, কংগ্ৰেছৰ 5খন, 3খন বিজেপিৰ আৰু 1খন নিৰ্দলীয় আসন আছে। बीआरएस अर्थात भारत राष्ट्र समिति तेलेंगाना एक शक्तिशाली आंचलिक दल। बीआरएस दलर बीजेपीर कोनो आनुष्ठानिक मित्रता नाइ, आनहाते बीआरएस इंडिया एलायन्सर अंशीदार नहय। अर्थात एबार समुख सমৰ तिनिपक्षीय हब। एफाले থাকিব কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৰ बीआरएस, তেওলোকৰ লক্ষ্য হব শাসনভাৰ অক্ষুণ্ণ ৰখা। অন্যহাতে বিৰোধী হিচাপে শক্তিশালী আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক সম্বোধন কৰি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ बीआरएस সুপ্ৰিমো কেচিআৰক। ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগ बीजेपीर मित्र केसीआर, जार बारे ईडी सीबीआई केसीआर पिछत पड़ा नाई। बीजेपीर सहित राहुल गांधी कोनो कारणत आपोस नकरे, हेई कथा जाने बीजेपीए। हेये राहुल गांधीर ऊपर बीजेपीए 25टाकै गोचर दिसे। बीजेपीए राहुल गांधीर घर और सदस्य पद काढ़ी लैसिल, किन्तु बीजेपीए केसीआर विरुद्धे एको पदक्षेप ग्रहण करा नाई। तेलेंगानार एक जनसभात राहुल गांधीए करिले एई विस्फोरक दाबी। जो आपने सपना देखा था वो अधूरा रह गया। केसीआर ने आपसे कहा था कि वो तेलंगाना का सपना पूरा करेंगे, मगर वो तेलंगाना का सपना पूरा नहीं कर पाए। उल्टा उन्होंने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, और जितना भ्रष्टाचार यहाँ आजकल तेलंगाना में हो रहा है, शायद बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। एक परिवार पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, पूरा का पूरा कंट्रोल केसीआर के परिवार के हाथ में है, उनके रिश्तेदारों के हाथ में है। हमने मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, अब मेरा आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है, मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता है। तो मैं यहां आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ यहां सच्चाई बोलने आया हूं। चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर है। केसीआर और पासते राहुल गांधी आक्रमण लक्ष्य है एआईएमआईएम मुरब्बी आसादुद्दीन ओवैसी। ओवैसीक बीजेपीर एजेंट आख्या राहुल गांधीर। असমৰ পৰা आरम्भ কৰি महाराष्ट्र राजस्थानলৈকে য'তেই কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়, তাতে বিজেপিক সহায় কৰিবলৈ গৈ উপস্থিত হয় আসাদুদ্দিন ওৱেছি। এই অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ। এক तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ खड़े हुए हैं। ये एक दूसरे की मदद करते हैं। लोकसभा में मैंने स्वयं देखा, जब भी नरेंद्र मोदी जी को मदद की जरूरत थी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो किसान बिल हो, बीआरएस ने एकदम नरेंद्र मोदी की मदद की। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी का मुकाबला करता है, उनके सामने खड़ा होता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरे खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। अब देखिए, मेरे ऊपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है, नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। राहुल गांधी उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ ही सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, कहा ले लो, मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाए हैं? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी उनके पीछे है, ना सीबीआई उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। देखिए आप बता रहे हो, बिल्कुल सही, केसीआर उनकी मदद करते हैं और बीजेपी इनकी मदद करते हैं। आप देखिए, मेरे ऊपर 24 घंटा आक्रमण चलता है, बीजेपी के सब नेता मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, अगर सारे के सारे बीजेपी के नेता मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करते तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं आज कुछ कमी रह गई, थोड़ा और जोर से मुझे बोलना चाहिए। मगर केसीआर पे, उनके परिवार पे बीजेपी का कोई नेता आक्रमण नहीं करता, कोई केस नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, मिले हुए हैं दोनों। दूसरी तरफ एमआईएम है। आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो आसाम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। भाई और बहनों, दिल्ली में बीजेपी को हराना है, तेलंगाना में बीआरएस को हराना है, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं, भूलिए मत। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। यहां पे लहर आ रही है, जैसे सुनामी आती है वैसे सुनामी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, और पहले यहां आएगी और फिर दिल्ली में आएगी। राहुल गांधीर ए आक्रमणर प्रत्युत्तर दिले आसादुद्दीन ओवैसीए। सामाजिक माध्यम एक्सत ओवैसीए लिखिले, मरমৰ राहुल गांधी, 2019 सনত 186খন লোকসভাৰ সমষ্টিত আপোনালোকৰ আৰু বিজেপিৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচনী যুদ্ধ হৈছিল, যত আপুনি 171খন আসন হাৰিলে। আপুনি চাগে সকলো মুছলমানকে একে বুলি ভাবে, আমি অসমত কেতিয়াও নিৰ্বাচন খেলা নাই। মই আৰু মোৰ ভাই বদৰুদ্দিন আজমল দুজন পৃথক ব্যক্তি আমেঠিত পৰাজিত হল। দুই এদিনৰ মুৰে মুৰে আপোনাৰ খাস বন্ধুবোৰে আপোনাৰ সংগ বিজেপিৰে লগ লাগিছে। তেলেংগানাৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি গৰাকী নিজেই সংঘী, যতেই কংগ্ৰেছ বিজেপি সমুখ সমৰত অৱতীৰ্ণ হয় তাতেই জিকে বিজেপি। এনেদৰে এতিয়া আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে। পিছে তেলেংগানাৰ জনতাই কাৰ হাতত প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যখনৰ শাসনভাৰ, এতিয়া সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।